कैंप का पांचवा दिन, 22 कैडेट अच्छा बनने की चाह में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से उन्हें रात की 6 घंटे की नींद ही बदनसीब हुई है। वो पहले से ही दिमाग और शरीर से थके हुए हैं, लेकिन असली मुसीबत अभी आना बाकी है। ये कैंप के बहुत मुश्किल दौर की शुरुआत है। इसमें कैडर की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। उसे हर दौर में दिमाग और शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। पूरे ग्रुप में एक कैडर भी गलती करता है तो सजा सभी को मिलेगी, और सजा भी ऐसी जो बची कुची ताकत को निचोड़ देगी। एनसीसी ऑफिसर की कड़ी निगाहों से बचना भी एक चुनौती है। हमारा कैडिटों को पनिशमेंट देने का एक ही उद्देश्य होता है, ताकि अगली गलती अपनी ना दोहराएं, और दूसरा कि ये शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। कुछ कैडर के लिए ये मस्ती भरा पल होगा और कुछ के लिए बहुत बुरी मुसीबत। इंडियन आर्मी के बाद एनसीसी सेकंड डिफेंस लाइन मानी जाती है। इसमें कैडर्स को उस हर दौर से गुजारा जाता है जिस दौर से वो एक बेहतर सैनिक और नागरिक बन सके। एनसीसी यूनिटी एंड डिसिप्लिन का रूप है। इन 22 कैडरों ने अपनी यूनिटी और शक्ति का बेहतर प्रदर्शन किया है। भले ही इनकी सोच अलग अलग हो, पर मंजिल एक है।